सो आइए वेलकम करते हैं लेजेंडरी एक्टर जमाल शाह। Assalamualaikum. Thank you so much for coming. Thank you, Nida. Please आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। खुशी हुई कि आप आए हैं, खास तौर पे इतनी बारिशें हो रही हैं हमारी कराची में, इस्लामाबाद से फ्लाई करके आप आए। इस्लामाबाद में भी बारिश थी जी, लेकिन वहाँ की सड़कें ऐसी नहीं जैसे हमारी है। हाँ, वो कदरे बेहतर हैं जी। कैसे हैं आप? शुक्र, आप कैसी हैं? खैरियत? हम पता नहीं कितने साल बाद मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। पहले माशाल्लाह आप अपनी वाइफ के साथ आए थे जी, और जी, आपका इंटरव्यू किया था इसी शो में, यही शो था वो जी, जी। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? काम मैं कैसा चल रहा है? शुक्र। काजिम साहब कैसे हैं? काजिम साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है कि जिंदगी में जाहिर है इतने अरसे बाद मिलते हैं तो बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। उस वक्त आपके दो बच्चे थे, अब आपके तीन हैं माशाल्लाह। तीन है जी। मैं आज जो ऑडियंस को आपके बच्चों की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि मतलब आपका काम तो देखते हैं लोग, लेकिन इतना ना जानते नहीं है बाकी चीज़ों के बारे में कि आप नॉर्मली ज़िंदगी अपनी कैसे स्पेंड करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे शुरू होता है आपका दिन, क्या रूटीन होता है आपके पूरे दिन का आजकल? निदा, मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो बड़ी कंजर्वेटिव है, थी और रहेगी। मेरे वालिद साहब बड़े डिसिप्लिन्ड इंसान थे, और क्वेटा की सख्त सर्दियों में भी सुबह सवेरे उठ के वजू करना, बाज़ औक़ात मस्जिद जाके बर्फ़ भी तोड़ के वजू करना और नमाज पढ़ना, तो वो जो 5 बजे उठने वाली एक आदत है वो अभी तक वालिद साहब की वजह से इम्प्रिंट हो गई है। ओह माय गॉड। मैं अगर 3 बजे भी सोऊं रात को या सुबह, तो 5 बजे मेरी आंख खुल जाती है और उसके बाद मैं या पढ़ता हूँ या फिर टेलीविज़न देखता हूँ। टेलीविज़न में भी मैं करंट अफेयर ज़्यादा न्यूज़ ज़्यादा फॉलो करता हूं। फिर उसके बाद क्या सीन होता है? उसके बाद अपनी पेंटिंग हुई और दोबारा से मैंने आजकल म्यूज़िक थोड़ा सा शुरू किया है। अच्छा। क्योंकि 20-25 साल बिल्कुल तर्क करने के बाद मुझे ख्याल आया कि यार ये छोड़ा भी नहीं जा सकता है, तो थोड़ा बहुत सिलसिला चलता रहे, तो मैंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बनाया। अच्छा। और अपनी रियाजत भी बाकायदा दोबारा से शुरू की है। इसलिए नहीं कि मैं कोई म्यूजिक में तहलका मचाने आ रहा हूँ, लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए। तो एक्टिंग क्यों नहीं करते दोबारा? एक्टिंग मैंने बड़ी की, अब पिछले 3 सालों में या 3.5 सालों में मुझे 30 स्क्रिप्ट ऑफर हुए। मेरी आदत है, अच्छी या बुरी कहें, मैं डिमांड करता हूँ कि जो मुझे स्क्रिप्ट ज़रा भेजें। मैंने सारे के सारे स्क्रिप्ट पढ़े और एक भी ऐसा नहीं था कि जो मैं मेरा जी चाहता कि मैं करूँ। तो फिर लोग अभी जो आपके फैंस हैं वो कैसे देखें आपको, अब कैसे इंतजार करें हम? फैंस जो हैं बड़े जनरस हैं, हम इस काबिल नहीं है कि अपने आप को, कम से कम मैं अपने आप को एक्टर नहीं कह सकता हूँ, पेंटर ज़रूर हूँ। लेकिन ये है कि चूँकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं बहुत लिमिटेड हूँ, तो मैं बच बचा के ही कुछ करता हूँ ताकि रिपीट हो के बहुत ज़्यादा लोगों को बोर ना करूँ। अच्छा। तो इसलिए मैंने 30 स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट किए, और अभी हाल ही में एक स्क्रिप्ट है जो मेरे ख्याल आपके चैनल से ही होगा मुमकिन। अच्छा। वो मैंने एक्सेप्ट किया और मैं एक स्पेल रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ओके। दूसरा स्पेल इंशाल्लाह 8 सितंबर से शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू एयरवाय डिजिटल्स यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू ऑल द न्यूज़ एंड अपडेट्स।